आई एम सिमरन सहानी एंड वेलकम टू माई चैनल सिमरन दीदी लाइव। ओके, तो एज आई प्रोमिस यू, आज मैं आ गई हूँ लेके आपके लिए 10 स्पेशल वीडियो, बेस्ट करियर ऑप्शन आफ्टर ह्यूमैनिटीज क्लास 12। तो मेरे सारे के सारे स्टूडेंट जिन्होंने क्लास 12 में ह्यूमैनिटीज ऑप्ट करा था, तो अब हम अपनी करियर प्लानिंग कर रहे हैं एंड आज हम ये डिसाइड करेंगे दैट कौन से बेस्ट कोर्सेज हैं, ठीक है, जो आप ऑप्ट कर सकते हो आफ्टर ह्यूमैनिटीज क्लास 12। काफ़ी बच्चों का डिसाइडेड होगा, कुछ कन्फ्यूज है, एक कोर्स करें या दूसरा कोर्स करें। तो बेसिकली इस वीडियो में आपको 4 से 5 मेन स्ट्रीम कोर्सेज बताऊंगी जो सबसे पॉपुलर है और जो मतलब स्टूडेंट सबसे ज़्यादा जो कहते हो आपकी ऑप्ट करते हैं एंड मोस्ट ऑफ द रिनाउंड कॉलेजेस जो हैं इंडिया के, वहाँ पर ये सब कोर्सेज अवेलेबल हैं, ठीक है। तो मोटा मोटा आज हम देखने वाले हैं कौन कौन से बेस्ट कोर्सेज हैं, फिर हम आज विजन बना लेंगे कि हाँ मुझे इस फील्ड में जाना है, इस फील्ड में जाना है, एंड देन हम पर्टिकुलर कोर्सेज के ऊपर डिटेल स्टडी भी करेंगे। मैं आपको वीडियोज में बताऊंगी दैट अगर आपको ये कोर्स करना है तो इसकी ड्यूरेशन इतनी है, बेस्ट कॉलेजेस कौन से है, कॉलेज है तो एंट्रेंस टेस्ट है या नहीं है, एवरीथिंग आई विल बी क्लियरिंग आउट। तो स्टार्ट करते हैं आज से हम अपनी करियर प्लानिंग, तो बेस्ट कोर्सेज फॉर ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट। ओके, सबसे पहला कोर्स जो आप कर सकते हो आफ्टर ह्यूमैनिटीज क्लास 12, तो वो होता है बीए। अब देखो ये बीए होता है, एक बीए होता है बीए जनरल और एक होता है बीए ऑनर्स। काफी कंफ्यूजन है इस चीज के बीच में, आज मैं क्लियर कर रही हूँ, ठीक है। तो बीए जनरल जो है उसमें बेसिकली आप 3 सब्जेक्ट ऑप्ट करते हो और उन तीनों का आपका एग्जाम होता है। अब वो 3 सब्जेक्ट बच्चा कोई भी ले लेता है, जैसे 12th में ह्यूमैनिटीज थी आपके पास इको इंग्लिश पॉलिटिकल थी, इको हिस्ट्री साइकोलॉजी थी, तो आपकी मर्जी है आप जनरल बीए के अंदर कोई भी 3 सब्जेक्ट लोगे और तीनों ही सब्जेक्ट्स की स्टडी हमें उस वाले बीए के अंदर कराई जाती है। अब इसका बहुत फायदा है और मैं अभी आपको बताती हूँ बीए ऑनर्स क्या है। तो बीए जनरल में क्या होता है, ड्यूरेशन क्या है, 3 साल का होता है और आपको 3 सब्जेक्ट मिलते हैं इसमें, ठीक है। अब बात करते हैं बीए ऑनर्स की, तो बीए ऑनर्स में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट की बिल्कुल डीप में डेप्थ में जाके स्पेशलाइज स्टडी होती है, यानी कि आपने बीए ऑनर्स करा इन इंग्लिश तो आपको टोटली उसमें इंग्लिश के बारे में ही पढ़ाया जाएगा, डेप्थ ऑफ द नॉलेज सब कुछ आपको रिलेटेड टू इंग्लिश आपको पढ़ाया जाएगा, इंग्लिश का लिटरेचर की हिस्ट्री और पोएम की हिस्ट्री सब कुछ आपको उसमें पढ़ाया जाएगा, ठीक है, मॉडर्न एरा के बारे में। तो या तो आप बीए जनरल करोगे जिसमें आप 3 सब्जेक्ट लोगे और वो 3 सब्जेक्ट्स की आपको नॉलेज मिलेगी, अगर आपको बीए ऑनर्स करना है तो पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट की, जैसे बीए इको ऑनर्स आजकल बहुत फेमस है, ठीक है, इंग्लिश ऑनर्स, पॉलिटिकल ऑनर्स, हिस्ट्री ऑनर्स, या तो आप एक सब्जेक्ट में करोगे। और अभी अगर आप इंडिया में देखो तो जितनी भी बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, जैसे कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी का देखो, तो ये सारे कोर्सेज बहुत ज़्यादा ही फेमस हो चुके हैं, बच्चे मोस्टली यही ऑप्ट करते हैं। कोई जैसे ह्यूमैनिटीज़ के मैं अपने बच्चों की बात करूँ तो आप बड़े बड़े कॉलेजेस का जो एम रखते हो, LSR का, हिंदू कॉलेज का, तो हम क्या करते हैं वहाँ जाके बेसिकली बच्चे मोस्टली बीए ऑनर्स करते हैं, पॉलिटिकल ऑनर्स कर लिया, हिस्ट्री ऑनर्स कर लिया, एंड ये ऐसे कोर्स हैं जो आपको टाइम देते हैं, एक तो आपको स्पेशलाइज नॉलेज मिल गई बीए में भी जिनमें आपके 3 सब्जेक्ट है और बीए ऑनर्स में भी, एक तो आपको स्पेशलाइज नॉलेज मिल गई सब्जेक्ट्स की, सेकंडली ये कोर्सेस अगर आपने ऑप्ट करा आप ग्रेजुएशन करें इनको क्या कहते हैं अंडर ग्रेजुएट कोर्स रहे हो, तो अगर आपको टीचिंग लाइन में जाना है, आपको गवर्नमेंट जॉब्स में जाना है, तो उसके लिए बहुत हेल्पफुल है, जो नॉलेज आप यहां से गेन करोगे वो वहां पर काम आएगी। अगर आपको किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एनी एग्जाम यू आर प्रिपेयरिंग फॉर, तो ये कोर्स और इसमें से जो भी सब्जेक्ट की नॉलेजेस आप गेन करोगे उसमें आपको हेल्प मिलेगी। मैं और डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी, इसमें मैं आपको मेन स्ट्रीम का ऊपर से बताई हूँ कौन से बेस्ट कॉलेजेस है इन इंडिया और एंट्रेंस टेस्ट है क्या है, एवरीथिंग आई टेल यू हर एक कोर्स का, ठीक है। सिर्फ ये नहीं है कि आप बीए करने के बाद, बीए ऑनर्स करने के बाद सिर्फ और सिर्फ आपको गवर्नमेंट सेक्टर में ही जॉब मिलेगी, नहीं, प्राइवेट सेक्टर में भी आपको बहुत अच्छी जॉब्स मिल सकती है, जैसे कि इको ऑनर्स करने के बाद आपको बड़ी से बड़ी MNC में भी जॉब मिल सकती है, तो वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब आते हैं अपने नेक्स्ट कोर्स के ऊपर जो आज के समय पर जैसा ट्रेंड चल रहा है बहुत फेमस हो चुका है, एंड अगर आपने ये ऑप्ट करा तो यू आर हैविंग अ वेरी यू कैन से दैट बहुत आपके पास अपॉर्चुनिटी खुल सकती है, तो लेट अस सी आवर नेक्स्ट करियर ऑप्शन, BJMC बैचलर और जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। तो ये बहुत सिंपल है, आप समझ गए होंगे, अगर आपको मास मीडिया की लाइन में जाना है, अगर आपको न्यूज एंकर बनना है, अगर आपको स्पोर्ट्स एंकरिंग करनी है, या फिर अगर आपको अपना खुद का कुछ स्टार्टअप करना है, एवरीथिंग रिलेटेड टू मीडिया, आप समझ लो आपको रेडियो जॉकी बनना है, अगर आपको इस फील्ड के अंदर जाना है, मास मीडिया की फील्ड के अंदर जाना है, तो आप लोग BJMC कर सकते हो, एक बेहतरीन कोर्स है ये इस समय पे और बड़े बड़े कॉलेजेस में ये ऑफर हो रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ BJMC की क्या है, इसमें हमें एक्सपोजर बहुत मिलता है। अगर आप सब्जेक्ट्स की बात करो तो अगर आपने ह्यूमैनिटीज ली थी तो BJMC की जो पढ़ाई है ना वो तुम्हें बहुत आराम से आप कर सकते हो, क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग के फर्स्ट ईयर में आपको पॉलिटिकल पढ़ाई जाएगी और आपके कल्चरल आर्ट्स के सब्जेक्ट होंगे, इंडियन हेरिटेज वाले सब्जेक्ट्स होंगे, काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, हम आसानी से उनको कर सकते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ एक्सपोजर भी बहुत ज़्यादा मिलता है सब्जेक्ट के अंदर। आपको मैं आपको बता रही हूँ वो है BA LLB। अब ये BA LLB हम सबको पता है आपको लॉयर बनना है, आपको जज बनना है, तो आप BA LLB कर सकते हो, ठीक है। अब
अभी LLB एक इंटीग्रेटेड कोर्स होता है 5 साल का, बट अगर आप चाहो तो आपने अपनी BA कंप्लीट करी 3 साल की एंड उसके बाद भी आप LLB कर सकते हो, बट ऐसा लोग करते नहीं है ज़्यादा, डायरेक्टली आफ्टर 12th BA LLB के लिए एडमिशन ले लेते हैं एंड अपने करियर को परस्यू करते हैं। तो जिस बच्चे का ड्रीम है लॉयर बनने का तो वो डेफिनेटली BA LLB कर सकते हैं, या होटल मैनेजमेंट, तो जिस बच्चे को होटल मैनेजमेंट करना है, देखो इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है आज के टाइम पे, देयर आर मेनी जॉब अपॉर्चुनिटीज इन दिस फील्ड ऑल्सो, तो इसके ऊपर डिटेल वीडियो मैं नेक्स्ट बनाऊंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी दैट कौन से टॉप कॉलेजेस हैं जहाँ से आप HM कर सकते हो, हाई फीस वाले जैसे कि जिसमें ज़्यादा फीस है और मीडियम लेवल फीस वाले, सब कुछ मैं आपको उसमें बताऊंगी। और नेक्स्ट मैं आपको ये भी बताऊंगी दैट करियर अपॉर्चुनिटीज़ आगे क्या है होटल मैनेजमेंट के अंदर, कि आपकी जॉब जो है फॉरेन में जॉब लगेगी, अगर इंडिया में जॉब करनी, एवरीथिंग, बहुत डिटेल वीडियो बनेगी होटल मैनेजमेंट के ऊपर। तो जिस बच्चे को HM करना है, आपका ड्रीम है HM करना, आप अपनी स्टेट के साथ में मुझे बता सकते हो, दीदी हम स्टेट में रहते हैं हमें HM करना है, तो मैंने सोच रखा है कि इस टॉपिक में काफ़ी डिटेल वीडियो बनाऊंगी कि आपका बेस्ट कॉलेज जो आप परस्यू कर सकते हो एंड आपका बजट एवरीथिंग, वो हम उसमें डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट आ गया जाता है हमारा फैशन डिजाइनिंग, तो इसमें भी मैं आपको यही कह रही हूँ फैशन डिजाइनिंग जिस का ड्रीम है, तो इसमें भी काफी करियर अपॉर्चुनिटीज आज के टाइम पे खुल रही है, तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ जिस बच्चे को फैशन डिजाइनिंग करनी है, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट मैं डिटेल्ड वीडियो लेकर आऊंगी। अभी आप अपना विजन बना लो कि हाँ मुझे ये करना है, हाँ मुझे ये करना है, आप अपना ड्रीम बना लो अभी कि हाँ अपना एम सेट करके रखो कि हाँ मुझे BA LLB करना है, हाँ मुझे फैशन डिजाइनिंग में जाना है, हाँ मुझे होटल मैनेजमेंट करनी है, मुझे BA करना है, ठीक है, अपना पूरा एम रेडी करो, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। बिकॉज दिस वीडियो सिर्फ मैं तुम्हें ये नहीं बता रही हूँ कि हाँ ये कोर्स कर लो, ये कोर्स कर लो, ये कोर्स कर, नो, आई एम आस्किंग यू कि ये कोर्स है, तुम बताओ तुम्हें कौन सा करना है, देन मैं तुम्हें उस पर डिटेल वीडियो बना के दूंगी, जस्ट लाइक अ काउंसलर टाइप वाली थिंग है यहाँ पे, जैसे आप काउंसलर के पास जाते हो और उसे बताते हो कि मेरे को ये कोर्स करने का भी मन है और ये भी है, फिर वो आपको क्लियर गाइड करते हैं कि अगर आपकी स्ट्रेंथ ये है तो आप इस फील्ड में जाओ, तो वैसे ही आई एम हेयर, ठीक है। तो मेरे सारे के सारे स्टूडेंट्स, अब आप बताओ कि आपको कौन सी फील्ड में जाना है और उसके ऊपर रोज़ डिटेल जो हमारी वीडियोस आती रहेंगी, एक एक जो हमने जितने भी करियर ऑप्शन अभी देखे हैं, ये तो अभी बहुत कम है और भी बहुत है, तो रेगुलर बेसिस पे, यहाँ मैंने आपको मेन स्ट्रीम वाले बता दिए हैं, रेगुलर बेसिस पे आई बी टेलिंग यू, कोई क्वेरीज है यू कैन आस्क नाउ इन द कमेंट सेक्शन, एंड नाउ आई मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, सो बेस्ट ऑफ लक ऑल द स्टूडेंट्स एंड आई मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।